और गिफ्ट आ गया है, ये बर्थडे के दिन ही ओपन होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहा है 6:30, अभी 5 मिनट कम है। अर्ना हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। और टिफिन में क्या क्या बन गया है बाबू? आज आज मेरे बेटे का फेवरेट चिप्स भी कह रहा है, मम्मा चिप्स का पैकेट दे देना। चिप्स था नहीं तो छान के दिए हैं, चॉकलेट था चॉकलेट दे दिए हैं, और पराठा सब्जी इनकी टिफिन में पैक हो गया है। बाबू जाएगा ऑटो में, चिप्स खा लेगा चॉकलेट खा लेगा, और टिफिन लंच जब होगा तो लंच में पराठा सब्जी खा लेना। ठीक, अब प्यारू कर ले। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल अर्नव का बर्थडे, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बनती है, तो किचन की पहले साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद से घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो फटाफट से किचन कर लूँ, क्लीन सारे डिब्बे वगैरह, क्योंकि मैंने डिब्बे एलियन फ्रिज खोल दिया है, अदरक खा रहा है। इधर देखिए, एलियन फ्रिज खोल दिया है और अदरक खा रहा है। एलियन को देखिए। तो डिब्बों की तो साफ़ सफाई हो गई, तो फटाफट से रैग भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, ये मोबाइल में लगे हुए हैं, पर बच्चा रो रहा है, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ना रो चिकू, मम्मा कर ले जल्दी जल्दी काम, मम्मा कर ले, देखो सब फिनिश कर लिए, मम्मा बाद में सजा देगी। ना रो ना रो, जा पापा पास, जा जा पापा पास। पापा जब मुझे काम रहता है तब पति देव को भी फ़ोन पे बहुत काम रहता है। मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ, ऊपर से चिपू इतना रो रहा है, इतना तंग कर रहा है। अर्नव भी आ गए स्कूल से, और वो इतना रो रो के बस मेरे पास ही आ रहा है। तो जितने डिब्बे वगैरह थे सब कुछ पोंछ के मैं लगाती हूँ रैक पे, और यहाँ पे दो चार डिब्बे ऐसे थे जो धुलने वाले थे, तो उनको भी धुल के मैं छत पे लेते आई हूँ, और यहाँ पे धूप में सूख जाएंगे। और मिर्च थी वो जो सीम गई थी आजकल बरसात की वजह से, तो मिर्च भी लेते आई हूँ, तो छत पे ही उसको फैला दूँगी मैं। और अभी मैं सब कुछ कर ही रही हूँ कि अर्नव नीचे नहा रहे थे और आ गए ऊपर छत पे, कह रहे मम्मा मुझे पोटी आई है पोटी आई है, तो उनको इतनी तेज़ पोटी आई कि सीढ़ी पे उतरते उतरते ही पोटी कर दी है। मेरा वो काम भी बढ़ गया। अभी को मुंह धुल के आ रही हूँ और वाकर में से अभी को इसको निकाल ली हूँ। लो लाता मेरा बेटा, दिखा दो छक्को, कुछ लो लाता मेरा बेटा, अच्छा अच्छा दिखा दो, होता है मेरा बेटा। नहीं दे दे रहा भैया, दे दे दो भाई, दे दो, लो भाई लो। तो अर्नव का क्या कांड कर दिए, मैं छत पे गई हूँ और डिब्बा वगैरह डाल ही रही हूँ अभी, तब तक कि ये आ जा रहा है। और मिर्ची वगैरह भी थोड़ा धूप दिखाना था कि थोड़ा सा टाइट हो जाए मिर्ची वगैरह, तब तक ये आया, बोल रहे मम्मा पोटी आया, मम्मा पोटी आया, जल्दी करो जल्दी करो। हम कहा चलो वहाँ छत पे पेपर था, हम कहा उसको भी चलो, तो कह रहा नहीं छोटा है पेपर, इनको बड़ा दो तीन पेपर किया जाता था ना सुबह, कह रहे उतने बड़े पेपर में नहीं पागा, जल्दी करो मम्मा मैं कर दूँगा पोटी। मैंने कहा जल्दी करो जल्दी चलो लेटे में, जल्दी चलो भागते हुए। वो आया बेचारा सीढ़ी पे ही कर दिया, अब सीढ़ी पे भी लैट्रिन साफ करी हूँ। अरे भगवान, मतलब आदि लोग सोचते हैं कि औरतों कितना आराम रहता है, घर का काम रहता है यार, उन लोग को कोई जाके समझाओ, मतलब अगर जो हस्बैंड वाइफ दो गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया दो पहिया दोनों एक बराबर का चलता है, ये नहीं कि आगे वाली पहिया ज़्यादा चलती है जो पीछे वाली पहिया कम चलती, दोनों एक बराबर ही चलता है। तो हस्बैंड लोग को चलता है, लगता है कि अरे मैं तो क्या बोलता है राजा महाराजा हूँ, कमा के लाता हूँ, इन लोग को तो बैठ के खाली बनाना रहता है, ये करना रहता है, कुछ नहीं करती हैं ये लोग ये वो, लेकिन उन लोग को समझना चाहिए। हम लोग के लिए भगवान बनाया घर का काम करने के लिए, अगर या तो हम लोग जॉब ही करते हैं तो भी घर का काम देखते हैं, तो हम लोग को भगवान अगर बनाए हैं तो ये नहीं कि हस्बैंड लोग को बनाया है कि बाहर का काम करने के लिए, औरतों को बनाए घर का काम करें, सबका काम अलग अलग बटा हुआ। आजकल तो औरतें भी बाहर और अंदर दोनों का काम देख ले रही हैं, और आदमी भी जो समझदार आदमी है वो बाहर का और अंदर का दोनों देख रहे हैं, और जो औरतें काम करने वाली वो बाहर अंदर दोनों देख रही हैं, उनके सपोर्ट में उनके हस्बैंड रहते हैं। लेकिन जो कुछ हस्बैंड होते हैं जैसे मेरे हस्बैंड, वहीं फ़ोन पर बात कर रहा है, बच्चा इतना रो रहा है, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और कल है अर्नव का बर्थडे, तो इसलिए आज थोड़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो मैं फटाफट आज थोड़ी बहुत
इतनी साफ सफाई है वहाँ। हाँ बेटा, जो डाइनिंग टेबल के पास वगैरह साफ सफाई है उसको साफ सफाई मुझे करनी ही पड़ेगी। हाँ, और इधर भी रूम वगैरह भी क्लीन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सब लोग आएंगे तो साफ सफाई सारी करनी पड़ेगी। तो आज ही, आज मेरे भतीजे का भी बर्थडे है, प्लीज़ आप सब उसको ब्लेस कीजिएगा। तो आज उसका बर्थडे कल ही था, बट उसकी नानी उसी दिन मर गई थी, तो मेरे यहाँ भाभी अपने यहाँ नहीं मनाती हैं। 6 तारीख है 6 सितंबर, तो आज मनाएंगे उसका बर्थडे। तो आज शाम को जाना है पार्टी में, तो चलिए दिखाऊँगी आप सबको। और कल मेरे बेटे का बर्थडे, तो कल भी है, तो आज साफ सफाई की तैयारी चल रही है। और आज का ब्लॉग आज ही जाएगा और कल का ब्लॉग परसों आएगा। तो चलिए, ये एकदम छोटी सी ब्लॉग थी, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शेयर कर रही, बस आज मैं साफ़ सफाई करूँगी। थोड़ा बहुत तो आपको साफ़ सफाई दिखा दी, बाकी साफ़ सफाई नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि। तो चलिए, अपने ब्लॉग की यहीं पर मैं कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मैं ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करो ज़रूर करना चैनल पर। और आप सब लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना, और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना। प्लीज़ स्माइल।